सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज अभिषेक तिवारी एंड यू आर वाचिंग अभी ब्रॉस द सेलर। तो दोस्तों आज हम कहाँ आए हैं आपको देख के पता चले गया होगा, लेकिन जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि हम आए हैं आज अंबेडकर पार्क में, जो कि लखनऊ के गोमती नगर में है। तो दोस्तों ये पार्क 2008 में बना था और ये जो पार्क है 168 एकर्स में बना था। दोस्तों ये काफी बड़ा पार्क है और बहुत ही अच्छा पार्क है। दोस्तों अगर इस पार्क में आप नहीं आए हैं तो अगर लखनऊ आते हैं तो जरूर यहाँ पे आइए, और चलिए हम आपके साथ वैसे भी एक्सप्लोर करेंगे, पार्क में दिखाएंगे क्या क्या चीजें हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको कोई क्वेरी हो या फिर कुछ सजेशन हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों नॉर्मली यहाँ पे 10 रुपये का टिकट लगता है, लेकिन आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि थी जिसकी वजह से एंट्री फ्री है। तो और आज संडे भी था दोस्तों, तो क्राउड थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे, और कोविड की वजह से यहाँ पे थोड़ी स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दिए हैं, आपको मास्क पहन के आना जरूरी है। आपको हर जगह यहाँ पे बैनर देखने को मिल जाएगा जिस पे कोविड वार्निंग्स लिखी हुई हैं। दोस्तों अगर आप आ रहे हैं तो अपना मास्क कैरी करते आइएगा, अच्छा ही है यहाँ पे। दोस्तों जो पार्क है इसको बनवाने में रेड स्टोन का यूज किया गया है। जो पूरा पार्क है आप देख रहे हैं, ये पूरा पार्क रेड स्टोन से बना हुआ है, और जिसको बनवाने में अप्रॉक्सीमेट 7 बिलियन रुपीस का खर्चा आया था। और इसमें जो स्टोन्स लगे हुए हैं दोस्तों, ये स्टोन्स सब राजस्थान से मंगवाए गए थे। तो दोस्तों ये जो स्टोन है काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो दोस्तों ये जो पार्क है आपका गोमती नगर के विपुल खंड में स्थित है, और ये ताज होटल के जस्ट बगल में ही है। तो दोस्तों और ये पार्क का खुलने का जो समय है वो सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 9 बजे तक खुलता है, और ये 7ों दिन खुला रहता है। और दोस्तों मोस्टली गर्मी के महीने में यहाँ पे दिन में थोड़ा कम क्राउड होता है, क्योंकि ये जो पूरा पार्क है वो मार्बल से बना हुआ है, जिसकी वजह से वो पूरा गर्म हो जाता है, तो उस समय पब्लिक ज़्यादा आती नहीं है। नॉर्मल ठंडी के महीने में यहाँ पे पूरा दिन ही क्राउड रहता है। तो अगर ये पार्क आप घूमना चाहते हैं तो इसका और अच्छा व्यू आपको शाम के समय मिलेगा, जब इसमें लाइट। Oh,
आप यहाँ आते हैं ना तो मास्क लेके जरूर आना, बिना मास्क के यहाँ पे एंट्री नहीं है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पे हाथी दीर्घ, जो कि यहाँ पे एक पूरा पार्क जैसा है जिसमें दोनों साइड में 30-30 हाथी है, टोटल 60 हाथी का स्टैचू है, क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव है। उस समय बहुत ही कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था जब ये पार्क बन रहा था, तो वैसे देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है यार। आपको दिखाते हैं आगे चल के थोड़ा क्लोज शॉट लेकर के कैसा है ये स्टैचू, और जैसा भी लगेगा हमें बताइएगा कमेंट में। दोस्तों जैसा कि आप ये हाथी को देख रहे हैं, कहा जाता है कि अप्रोक्सीमेट 30-40 लाख रुपीस की ये जो एक एक हाथी यहाँ पे मंगवाई गई थी राजस्थान से, और ऐसी टोटल 60 हाथी यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइन से दोनों साइड मिलाकर के खड़ी हुई हैं। और इस एरिया को हाथी दीर्घ भी बोलते हैं और परिवर्तन स्थल भी बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी क्राउड होता है नॉर्मली, फ़ोटो वोटो खींचने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं शाम को। तो अगर हम बात करें मूवीज़ की दोस्तों, तो लखनऊ में वैसे तो काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग हो रही हैं आजकल, बट मोस्टली इस पार्क में जो मूवी शूटिंग हुई है जॉली एलएलबी जो मूवी थी उसकी मतलब काफ़ी पार्ट इस पार्क में शूट किया गया था। और एक मूवी आई थी यंगिस्तान जिसका एक फेमस सॉन्ग भी था, सुनो ना संगमरमर, तो सॉन्ग पूरा ही इस पार्क में ही फिल्माया गया था। और आप वो गाना देख सकते हैं YouTube पे जाके, सुनो ना संगमरमर, वो जो गाना था इसी पार्क में ही उसको फिल्माया गया था। और एक मूवी आई थी दावते इश्क जो कि पूरी लखनऊ के ही ऊपर बेस्ड थी, उस मूवी के भी काफ़ी सीन यहाँ पे शूटिंग किए गए थे। और राजकुमार राव की जो एक मूवी आई थी काफ़ी पॉपुलर मूवी थी शादी में ज़रूर आना, तो वो जो मूवी थी उसकी भी शूटिंग इस पार्क में ही हुई थी, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी थी। और एक और मूवी थी जो कि बहन होगी तेरी, वो भी राजकुमार राव की, लकीली राजकुमार राव की काफ़ी मूवीज यहाँ लखनऊ में शूट की जाती हैं, तो वो भी मूवी की जो शूटिंग हुई थी वो भी इसी पार्क में हुई थी, जो इस पार्क के काफ़ी सीन दिखाए गए हैं उस मूवी में। तो दोस्तों ये पार्क नॉर्मली बहुत पॉपुलर हो चुका है लखनऊ में, तो अगर हम कहें कि लखनऊ में वन ऑफ द फेमस पार्क है ये, तो गलत नहीं होगा दोस्तों। तो अगर आप लखनऊ में आते हैं तो मैं तो कहूँगा एक बार ये पार्क ज़रूर विज़िट करिए और देखिए इस पार्क में क्या क्या है। तो दोस्तों ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल है, जो कि इस पार्क के एकदम सेंटर में बनाया हुआ है। ये डोम शेप का जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसके अंदर में आप देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो डिफरेंट स्टेजेस से जुड़ी हुई इनकी मूर्तियां बनाई गई है, जो कि मूर्तियां जो टोटल ब्रास की बनाई हुई हैं। और आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर बनाया है इन लोगों ने, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे बनाया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, डिफरेंट स्टेजेस पे इनके फैमिली से जुड़े हुए जो स्टैचू हैं, और जब उन्होंने अपना संविधान लिखना स्टार्ट किया था वैसा स्टैचू बना हुआ है। और ये जो एक स्टैचू आप जो देख रहे हैं सेंटर में, ये इंस्पायर्ड है आपके अब्राहम लिंकन जी से ही इंस्पायर्ड होकर के ये मूर्ति को उसी डिज़ाइन में बनाने की कोशिश की गई है। तो ये मूर्तियाँ अप्रॉक्सीमेट 20-25 फीट ऊँची है, और ये दर्शकों का काफ़ी अट्रैक्शन केंद्र है यहाँ पे। और आप ये देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे संविधान लिखते हुए इनको दिखाया गया है इस मूर्ति में। ये है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की फैमिली के साथ उनका जो ये स्टैचू बनाया हुआ है, देखें आप
ये पूरा ही ब्रास का बनाया हुआ स्टैचू है दोस्तों, और ये अप्रोक्सीमेट 20 या 25 फीट का है। मैं हमने गार्ड से पूछा था, और ये देख रहे हैं ये आपका अम्बेडकर पार्क का जो पूरा ओवरव्यू है उसको भी एक स्टैचू के जैसे इन्होंने बनाया है। तो ये हाँ एक पार्क का मैप बोल सकते हैं इसको। तो ये भी दोस्तों पूरा ब्रास का बना हुआ है, और ये हैं मायावती जी जिन्होंने ये इस पार्क को बनवाया था। तो दोस्तों वो सामने आपको जो रेड कलर की बिल्डिंग देख रही है वो लखनऊ की सबसे बड़ी कम्युनिटी सेंटर बिल्डिंग है, जिसका नाम है JPNIC, और वो आपको ताज होटल भी दिख रहा है वहाँ से। दोस्तों ये बहुत ही प्रीमियम लोकेशन पे बनाया गया है ये पार्क, जो कि आपको हम दिखा रहे हैं एरियल व्यू, जो कि सबसे ऊपर इस पार्क के सबसे ऊपरी हिस्से से हमने ये वीडियो लिया है। तो light me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I see you are real right now. Somebody else, and that is you. Ooh, ooh, falling in with you. Not the only one dreaming me. You already feel it bad. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know? Can you tell me something? You look into my eyes and fell in love with me.
all the people.